जीपीपीटी रिकॉर्डिंग और आगे की जो ट्रेनिंग हुई है ना, आगे भी इस सीरीज में हमने ट्रेनिंग की है बहुत सारी, तो उसके रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है और उसका सारा मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। और इस ट्रेनिंग को हम इस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आपको मिले, काउंसलिंग का A to Z जो भी एक काउंसलर को सीखना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे हम सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप विदाउट कोई प्रोग्राम परचेज किए आप अपने काउंसलिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए। ये पर्पज है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का। तो यहाँ पे कुछ हाइट नहीं है काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे पेड प्रोग्राम्स है वो बिजनेस डेवलपमेंट के रिलेटेड है और उसकी डिटेल यूट्यूब पे ज्वाइनिंग ऑप्शंस क्या है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन काउंसलिंग में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो वहाँ पे सब हम फ्री कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, सारी ट्रेनिंग्स फ्री में है। और इस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपको ज्यादातर पेड कोर्सेज में भी इस टाइप की ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं मिलेगी, चाहे गूगल सर्च कर लो या यूट्यूब सर्च कर लो। क्योंकि मुझे पता है कि कितना एफर्ट लगा है, कितना एक्सपीरियंस लगा है इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने में, जानने में, सीखने में, और इसकी वैल्यू मुझे पता है। और ज्यादातर काउंसिलर्स और DMIT प्रैक्टिशनर स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका स्ट्रगल यही है कि उनको सही नॉलेज नहीं मिल रहा है और लोग सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और ये फीलिंग की वजह से ही ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन जाए, एक अवेयरनेस क्रिएट हो और लोग ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट ले। एज अ काउंसिलर हम सही नॉलेज लोगों को दे और सही तरीके से उनकी लाइफ में हेल्प करें, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। ये पर्पज है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों को सब पता है। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली 5 लोब्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन के, और उसमें 3 इनपुट्स इनपुट जोन्स होते हैं और 2 हमारे कॉग्निटिव जोन्स होते हैं। इनपुट जोन्स जहाँ से हम इनपुट्स लेते हैं, बाहर से डेटा लेते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ये हमारे इनपुट जोन्स है, जहाँ से हम बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर थॉट जोन के जरिए हम उसको प्रोसेस करते हैं, और थॉट जोन के जरिए जो भी हम कंक्लूड करते हैं या जो भी वहाँ पे हमें एनालिसिस मिलता है, और उसके ऊपर से हम एक्शन लेते हैं और हम डिसाइड करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, और हम उस डिसीजन के हिसाब से फिर सोसाइटी में जाकर, बाहर की दुनिया में जाकर हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने 4 जोन्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अभी तक, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और थॉट जोन, और इसके रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स जो पुराने ट्रेनिंग्स हमने की है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, और वो मैं व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को शेयर कर दूंगा जो भी लोग नए हैं। आज हम एक्शन जोन के बारे में बात करेंगे कि एक्शन जोन क्या है और एक्शन जोन का हमारी लाइफ पे कितना बड़ा इफेक्ट होता है। तो कुछ कुछ यहाँ पे जो लोब्स है, 2 मेन पार्ट्स है ब्रेन के, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। विजुअल जोन में भी एक पार्ट लेफ्ट ब्रेन का होता है, एक पार्ट राइट ब्रेन का होता है। जो हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट पार्ट का काम है कि वो माइन्यूट ऑब्जर्व करता है सारी चीजों को, और राइट ब्रेन का काम है वो पूरा पिक्चर फिल करने का काम करता है। इस तरह से ऑडिटरी में भी, ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है और ऑडिटरी अप्रिसिएशन का पार्ट है। इस तरह से काइनेस्थेटिक में एक फाइन मोटर स्किल्स का पार्ट है और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स का पार्ट है, और फ्रंटल लोब में एक लॉजिकल थिंकिंग का पार्ट है और क्रिएटिव थिंकिंग का पार्ट है। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकली थिंक करता है सारी चीजों को और राइट ब्रेन क्रिएटिवली थिंक करता है सारी चीजों को। कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग की ज्यादा जरूरत है, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग की ज्यादा जरूरत है। तो अगर किसी का लॉजिक ज्यादा है तो उसके भी एडवांटेजेस होते हैं कुछ, और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। किसी का इमेजिनेशन ज्यादा है, क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा है, तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज एक्शन जोन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और एक्चुअल में वो कैप्टन है पूरे ब्रेन का, जैसे क्रिकेट टीम होती है और उसमें कैप्टन होता है,
और कैप्टन पे ही डिपेंड होता है टीम का परफॉर्मेंस। चाहे टीम कितनी भी वीक या स्ट्रांग हो, अगर उसका कैप्टन सही नहीं है तो टीम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। या कैप्टन प्लेयर्स के जो टैलेंट होते हैं उसको पूरी तरह से कैप्टन यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, और वो जो डिजर्व करते हैं उस हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक्शन जोन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमारे ब्रेन को लीड कर रहा है, वहां से हमारे सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आते हैं, वहां से हम सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, वहां से मैनेज करते हैं, वहां से डिसीजन हम सारे लेते हैं। तो वन बाय वन हम समझते हैं, दो पार्ट है एक्शन जोन में भी, दो पार्ट है। एक लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है जहां से हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को देखते हैं, और दूसरा राइट ब्रेन का पार्ट है जहां से हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को देखते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि दोनों क्या है। प्रीफ्रंटल लोब भी इसको हम बोलते हैं, जो पांच लोब है उसमें सबसे आगे का लोब जो होता है प्रीफ्रंटल लोब। और जो दूसरे क्रीचर से या दूसरे एनिमल से और हम ह्यूमन से, उसके बीच में यही एक मेजर डिफरेंस है जो हमें ह्यूमन बनाता है। और वो डिफरेंस है हमारे कॉग्निटिव जोन्स, जो हमारे थॉट जोन है और एक्शन के जोन है, वो दूसरे एनिमल्स या दूसरे क्रीचर्स के पास नहीं है। वो लोग ज्यादातर स्पॉन्टेनियस रिएक्ट करते हैं, उन लोगों के पास सोचने का कोई मैकेनिज्म नहीं है या डिसीजन लेने का कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ह्यूमंस के पास है। इसी वजह से हम ये प्लेनेट अर्थ को डोमिनेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूरी तरह से छाए हुए हैं हमारे कॉग्निटिव जोन्स की वजह से। और कॉग्निटिव जोन्स जोन्स में कहीं अगर प्रॉब्लम हुआ है किसी को, या वहां पे पोटेंशियल नहीं है, तो वहां पे पर्सन को या स्टूडेंट को कंटिन्यू सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, कंटिन्यू मेंटरिंग की जरूरत पड़ेगी। और कॉग्निटिव जोन्स में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा प्रीफ्रंटल लोब। प्रीफ्रंटल लोब जहाँ R1 और L1 से जिसको हम इंडिकेट करते हैं, R1 से हमारा लेफ्ट लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब को हम चेक कर सकते हैं, और L1 से हम राइट प्रीफ्रंटल लोब को चेक कर सकते हैं। तो जो लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब है वो हमारे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को दिखाता है। इंट्रापर्सनल मतलब हम खुद के साथ कैसे है, हम खुद को कैसे समझते हैं, हम खुद की फीलिंग को कैसे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले किसी ने बताया कि वो लोगों के साथ बात करते थे तो उनको ऐसा फील होता था कि लोगों को उनसे बहुत हेल्प मिल रही है, लोगों को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, जबकि वो काउंसलर नहीं है। लेकिन अगर R1 किसी भी पर्सन का अच्छा है तो धीरे धीरे ओवर द टाइम जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ आने लगती है, उनको पता चल जाता है धीरे धीरे कि उनको क्या पसंद आ रहा है, उनको क्या पसंद नहीं आ रहा है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो R1 हमें धीरे धीरे एक नजरिया देता है, जैसे जैसे R1 का एक्सपीरियंस रिच होता है और वो ओवर द एज धीरे धीरे वो बिल्ड होता है। और प्रीफ्रंटल लोब की मेच्योरिटी की बात करें तो 25 ईयर्स तक ये डेवलप होता रहता है, और 25 ईयर्स के जब हम होते हैं तो ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। तो 25 ईयर्स के बाद यहाँ पे जो भी प्रीफ्रंटल लोब 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 का स्ट्रेंथ हमें दिखेगा DMIT रिपोर्ट में, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगा। 25 ईयर्स से पहले ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है और धीरे धीरे ये डेवलप होता है। और अगर ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा टाइम लगाता है डेवलप होने में, 25 ईयर्स लगते हैं उसको पूरी तरह से डेवलप होने में, और DMIT रिपोर्ट में जो कुछ भी दिख रहा है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होने में। इसलिए हम मेच्योरिटी की एज हम 25 ईयर्स कंसिडर करते हैं, और उसी एज के आसपास हम किसी की शादी करते हैं या उसको हम मैच्योर कंसिडर करते हैं, या वो पर्सन पूरी तरह से मैच्योर हमें दिखने लगता है। उससे पहले कहीं ना कहीं बचपना होता है, कहीं ना कहीं उसका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इतना अच्छा नहीं होता है, वो बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारे स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेता है, इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेता है। तो इसका रीजन है कि हमारा प्रीफ्रंटल लोब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, वो अभी अंडर डेवलपमेंट के स्टेज में है और धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है।
तो R1 से हम खुद को देखते हैं, खुद को कैसे हम एनालिसिस करते हैं, खुद को हम कैसे मैनेज करते हैं, तो सेल्फ कनेक्ट को हम R1 से देखेंगे कि वो पर्सन खुद के साथ कितना कनेक्टेड है, खुद को कितना समझता है, खुद के इमोशंस को कितना अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है। तो R1 हमारे खुद के बारे में है, और R1 अगर अच्छा है तो ये लोग अपने इमोशंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, एडवर्स सिचुएशंस को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, और एक धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस की वजह से R1 धीरे धीरे रीच होता जाता है, और वो अपने अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को और अच्छा बनाने लगते हैं, और धीरे धीरे वो ऐसे मोड पे आ जाते हैं कि वहां पे फिर उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है, उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर R1 अच्छा है तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे जैसे लाइफ में हम मैच्योर होते हैं हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, और हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस और बेटर होता है, और ज्यादातर हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, अपनी अपने लिए करेक्ट डिसीजन हम ले पाते हैं। तो ये लोग लॉन्ग टर्म प्लान्स भी अच्छे कर लेते हैं, और R1 से रेशनल थिंकिंग आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। रेशनल थिंकिंग का मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम या चैलेंज क्रिएट हुआ है लाइफ में, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो सारे फैक्टर्स को सही तरीके से एनालाइज करके सही डिसीजन लेने की एबिलिटी को हम रेशनल थिंकिंग बोलेंगे। जिनका R1 अच्छा है वो बाय डिफॉल्ट अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे डिसीजन मेकर बनेंगे आगे जाके, और इसी वजह से अगर बहुत बहुत सारे काउंसलर्स को ये भी क्वेश्चन आता होगा काउंसलिंग में कि मेरा बच्चा आगे जाके बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा R1 को कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरे कुछ फैक्टर्स हैं जो हम केस स्टडी में आगे सारी चीजों को मिला के बात करेंगे, लेकिन R1 सबसे इम्पोर्टेंट है। R1 अगर किसी का अच्छा नहीं है तो वो बार बार डिसीजन मेकिंग में गलती करेगा, एक ही गलती को बार बार रिपीट करेगा, उसको अगर हम एजुकेट करते हैं तो भी वहां पे वो बहुत सारी गलतियों को रिपीट कर सकता है। तो किसी को अगर इंडिपेंडेंटली कुछ बड़ा करना है तो उसका R1 अच्छा होना चाहिए, और उसका R1 अच्छा नहीं है और आपने उनको कोई पावर दे दिया या कोई डिसीजन मेकिंग मेकिंग के प्रोसेस में उसको हेड बना दिया, तो बहुत सारी गलतियां कर सकता है और बहुत सारे लॉसेस कर सकता है, जो आप अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई पर्सन को आप देखेंगे कि उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी, उसको बहुत हेल्प की गई, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट कुछ कर नहीं पाया, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट ही नहीं कर पाया इतनी हेल्प होने के बावजूद। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी आपको अपने आसपास दिखेगा कि उनको उनको मिल गया है, उनके एंसेस्टर की तरफ से एक अच्छा बिजनेस मिल गया है, लेकिन वो फिर भी उसको आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। कुछ लोग उसको आगे बढ़ा पाते हैं, कुछ नहीं बढ़ा पाते हैं। यहाँ पे R1 का रोल सबसे क्रूशियल है। R1 कम है तो चाहे कितना कितना आप उसको सपोर्ट कर लो, कितना भी पैसा दे दो, वो उसका लॉस करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और एट द एंड वो गलत डिसीजन लेगा लगातार और उसको प्रॉब्लम होगा। तो R1 कम है और उसको इंडिपेंडेंट कुछ काम करना है तो उसको पार्टनर चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस किसी और के पास होना चाहिए, उसके पास नहीं होना चाहिए। रिस्क को वो अच्छी तरह से असेस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अच्छी तरह से असेस करके सही डिसीजन को ले सकते हैं, इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर को वो कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी तरह तरीके से। R1 और R2 इतना अच्छा नहीं है तो इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगा, वो एडल्ट हो जाए उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम होगा, और वो इमोशनल होके या इम्पल्सिव होके स्पॉन्टेनियस होके कुछ भी रिएक्ट करेंगे और बाद में उनको बहुत रिग्रेट फील करना पड़ेगा। एवरी टाइम ये होगा, लगातार होगा, और उनको उनको समझ में ही नहीं आएगा, वो खुद को करेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि R1 वहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। R1 ईगो भी देता है और कॉन्फिडेंस भी देता है, दोनों चीजें आती है, और इसको भी हम आगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे। ईगो एक अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए कि ईगो किस तरह से बिल्ड होता है ओवर द एज, और बाद में
वही ईगो की ईगो ईगो पहले हमें थोड़ा हर्ट करता है, हमें फेल करवाता है। जब हम यंग होते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, तो शुरुआत की लाइफ में ईगो हमारे लिए नेगेटिव रोल प्ले करता है, और वही ईगो बाद में हमारी लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो ईगो के दो एस्पेक्ट्स है, ईगो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसी की वजह से हमें कॉन्फिडेंस भी होता है। तो कॉन्फिडेंस भी दो तरीके से हो सकता है, कि एक गलत भी हमें वो रिजल्ट दे सकता है और एक सही रिजल्ट भी दे सकता है, दोनों चीजें है इसमें। कांट हैंडल फॉल्ट फाइंडिंग, तो R1 अगर किसी का आई है और उसको तुरंत ही जाके हमने पिन कर दिया या उसको पॉइंट कर दिया कि तुम ये गलती कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, या डायरेक्ट लैंग्वेज में बोल्ड होकर हमने किसी के सामने या बहुत सारे लोगों के सामने उसको हर्ट कर दिया, तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, जो बच्चों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगर R1 किसी बच्चे का हाई है तो उसको तुरंत ही पॉइंट ना करके अच्छी तरह से रीजनिंग के साथ अगर उसको हैंडल किया जाए या अकेले में उसको हैंडल किया जाए तो ये ज्यादा बेटर होगा। और हम प्रोफेशनली अगर कहीं पे काम कर रहे हैं और कोई एम्प्लॉय का R1 हाई है तो यहाँ पे भी ऐसे ही डील करना चाहिए, वरना उससे हम रिजल्ट नहीं ले पाएंगे जो हमें रिजल्ट चाहिए। R1 हाई है, उनको प्रेज चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, ये इनकी नेचुरल विश है कि इनको प्रेज और रिकॉग्निशन चाहिए, इनको रिस्पेक्ट चाहिए। और जिन जिन लोगों का R1 हाई है, चाहे स्टूडेंट हो या एडल्ट हो, उनको प्रेज या रिकॉग्निशन के जरिए हम अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं उन लोगों के साथ और उन लोगों को चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रिटी अच्छी होती है, मॉरल वैल्यूज होती है इन लोगों में, और ओवर द टाइम वो लोग अपने आप को बेटर करते हैं और इस तरह से काम करते हैं कि दूसरे लोगों के लिए हार्मफुल ना हो, विन विन सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों का R1 अच्छा होता है, अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं, एक्शन टेकर होते हैं, एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, इमेज कॉन्शियस होते हैं, और मैनेजमेंट की स्किल बाय डिफॉल्ट इन लोगों में होती है। उनको कोई MBA करने की जरूरत नहीं है या कोई मैनेजमेंट का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर R1 अच्छा है तो ये लोग खुद को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कर सकते हैं, अपने फैमिली को कर सकते हैं, अपने बच्चे को भी मैनेज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट होता है उन लोगों में, और धीरे धीरे ये स्किल डे बाय डे इम्प्रूव होती जाती है जैसे वो ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। ये R1 अगर हाई है तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। R1 अगर लो है किसी पर्सन का, जो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और बहुत सारे सफरिंग्स या बहुत सारे इश्यूज लाइफ में हो सकते हैं इसकी वजह से, जो हमें अच्छी तरह से हैंडल करना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा। R1 लो है तो ऐसा पर्सन शॉर्टकट्स ले सकता है, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, वो क्राइम भी कर सकता है। उसका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इतना अच्छा नहीं होगा, उसका रेशनल थिंकिंग इतना अच्छा नहीं होगा, इस वजह से वो गलत डिसीजन ले सकता है, गलत चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए वो काम कर सकता है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ वो शायद काम ना कर पाए। वो खुद की फीलिंग को नहीं समझ सकता, वो दूसरों को भी नहीं समझ सकता। जो पर्सन खुद को नहीं समझ सकता, खुद को अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर सकता, वो एक्चुअल में दूसरे लोगों के साथ भी इतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो सकता, चाहे उसका L1 कितना भी स्ट्रांग हो, उसका इंटरपर्सनल कितना भी अच्छा हो। ये प्रॉब्लम होता है। नो क्लैरिटी ऑफ गोल्स, गोल्स की क्लैरिटी भी इसी वजह से नहीं होती है क्योंकि हम खुद के पॉजिटिव नेगेटिव्स को नहीं समझ पा रहे। चाहे गोल सेटिंग का जोन उसका बहुत अच्छा है या आइडियाज जनरेट करने का जोन उसका बहुत अच्छा है, लेकिन R1 किसी का अच्छा नहीं है तो उसके लिए क्या पॉजिटिव होगा लाइफ में, या उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या अच्छा नहीं लगता है, और कहाँ पे उसको काम करने में मजा आएगा, वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वो काम नहीं कर पाएगा और शायद वो चेंज करता रहेगा, या शॉर्ट टर्म गेन के लिए वो ज्यादा एफर्ट लगाता रहेगा। R1 लो है तो कॉन्फिडेंस लो रहेगा, सेल्फ एस्टीम उसका लो रहेगा, कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी रहेगी और इस वजह से उसको मेंटर की जरूरत पड़ेगी कंटिन्यू। मॉरल वैल्यूज उनको चाहिए, मॉरल वैल्यूज का एजुकेशन उनको बचपन से ही देना चाहिए, बचपन से ही इस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए।
और चाहे कोई भी जोन लो हो, अगर बचपन में ही हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज हमने स्टार्ट कर दी है जहां पे उनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत हो, तो हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं और सबसे ज्यादा लर्निंग एबिलिटी होती है बच्चों में, और इसीलिए बच्चों में लर्निंग एबिलिटी इसीलिए होती है क्योंकि उनके कॉग्निटिव जोन अभी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, उनका लॉजिकल थिंकिंग और रेशनल थिंकिंग उनका डेवलप नहीं है, इसी वजह से उनके दिमाग में कोई फिल्टर नहीं है, उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो सीखने का मजा ले रहे हैं, सिर्फ डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी उनको मिल रहा है उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई फिल्टर नहीं है, कॉग्निटिव जोन अभी उनके डेवलप नहीं हुए हैं। तो अगर हमने बचपन में आइडेंटिफाई कर लिया तो कुछ चीजों की जो बाय डिफॉल्ट नेचुरली उन लोगों में कमी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और ओवर द टाइम उनको जो चैलेंजेस आ सकते थे वो हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं उतना ज्यादा बेटर होता है। बाद में एक बार किसी भी पर्सन का कॉग्निटिव जोन डेवलप हो गया तो उसका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है, उसका एक थॉट प्रोसेस बन जाता है, और बाद में उसको सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन की एज है वो 18, 20 या 25 साल तक होती है, क्योंकि तब तक हम ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, ज्यादा ओपन होते हैं, ज्यादा इन्फ्लुएंस हम होते हैं चीजों से, और बाद में हम पूरी तरह से लॉजिकल हो जाते हैं, हम हमारा एक लिमिटेड दायरा हो जाता है थिंकिंग का, हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है, और इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और इसी वजह से सीखना हम अवॉइड करते हैं, और लर्निंग का प्रोसेस बाद में बिल्कुल खत्म हो जाता है, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, और मैंने भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया था कि बीच में बिल्कुल गैप आ गया था जब मैंने कुछ नहीं सीखा था अपनी लाइफ में, और बाद में जब फिर से सीखना स्टार्ट कर दिया तो मेरी लाइफ अब डेली दिन ब दिन ज्यादा इम्प्रूव होती जा रही है, ज्यादा तेजी से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो लर्निंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही चाहिए, लर्निंग हमें भी चाहिए। आप हमारा R1 हाई है उसका मतलब ये नहीं है कि हम मैनेजमेंट में सबसे बेस्ट है या पूरी दुनिया में बेस्ट है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ज्यादातर लोगों में, कि मान लीजिए किसी बच्चे का लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद अपने आप साइंटिस्ट बन जाएगा, उसको भी सीखना पड़ेगा, उसको भी उस स्किल को डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो ऑप्टिमम रिजल्ट वहां पे ले पाए उस स्किल की हेल्प की वजह से। तो आप में वो अच्छा है, और यही इल्यूजिव है ना, सबसे ज्यादा इल्यूजिव यही है कि हम फील करते हैं कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, और वो एबिलिटी होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इस पे काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उस एबिलिटी को हम अगले लेवल पर लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा वहां पे लर्निंग करके, थोड़ा सा उसको और स्ट्रॉन्ग बना के, और उसको बहुत बड़े स्केल पे कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर हमने वहां पे लर्निंग कंटिन्यू किया। तो जो स्ट्रेंथ होती है वहां पे हम लर्निंग करना बंद कर देते हैं, और जो वीकनेस होती है उसी के आगे पीछे हम घूमते रहते हैं, इसकी वजह से स्ट्रेंथ का भी हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है और वीकनेस को तो हम कभी इम्प्रूव कर ही नहीं पाते हैं, ज्यादातर लोगों के साथ ये हो रहा है, जबकि मेरा स्ट्रेंथ अगर मैनेजमेंट है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट के कोर्सेज करने चाहिए, कंटिन्यू करने चाहिए, मैनेजमेंट को जितने अलग अलग एंगल से मैं सीख सकता हूँ मुझे सीखना चाहिए, बाय डिफॉल्ट है, और फिर भी मैं अगर सीखना कंटिन्यू करता हूँ तो मैं उसमें वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बन सकता हूँ, सबसे टॉप क्लास में जा सकता हूँ, जो टॉप के 1% लोग है उसमें मैं जा सकता हूँ, लेकिन हम कहीं ना कहीं वीकनेसेस के पीछे ही लगे रहते हैं कि ये वीक है तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ज्यादातर लोग इसी में उलझे रहते हैं। तो R1 है वो हमें खुद के साथ कनेक्ट करता है, और उसके ऑपोजिट L1 हमें लोगों के साथ कनेक्ट करता है, हम लोगों के साथ किस तरह से कनेक्ट होंगे ये L1 हमें दिखाता है, अगर L1 किसी का हाई है, किसी बच्चे का या किसी पर्सन का, तो उसको लोगों के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो अलग अलग टाइप के लोगों के साथ भी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे
उसका फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी वैरायटी के लोग हो, अलग अलग टाइप के लोग हो, फिर भी वो अच्छी तरीके से सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप को हैंडल कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। अगर L1 किसी का अच्छा है और L1 किसी का अच्छा है तो वो एक एम्पथी का लेवल क्रिएट करता है हमारे अंदर। दो इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, एक सिंपथी होती है और एक एम्पथी होती है। सिंपथाइज करने का मतलब ये है कि कोई पर्सन अगर सैड फील कर रहा है या नेगेटिव फील कर रहा है तो उसको देखकर हम खुद भी नेगेटिव हो जाए, हम खुद भी सैड हो जाए, इसको हम सिंपथाइज करना बोलेंगे कि उस वो जो दर्द फील कर रहा है वो दर्द हमें भी फील होने लगे। और एम्पथी का मतलब है कि वो जो दर्द फील कर रहा है वो हम न्यूट्रल होके सारे एंगल से हम उसको देख पाए और एक्चुअल में हम न्यूट्रल होके उसकी हेल्प कर पाए, एम्पथाइज कर पाए पूरी तरह से, उसकी पोजीशन में उसके शूज में जाकर हम उसको चेक कर पाए और हम न्यूट्रल होके इन्फ्लुएंस हुए बिना उसको कुछ हेल्प कर पाए, उसको हम एम्पथी बोलेंगे। तो L1 अच्छा है तो वो एम्पथाइज कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों को न्यूट्रल तरीके से उनकी सिचुएशन को देखकर उनको हेल्प कर सकते हैं, उनका टीम वर्क अच्छा होता है, स्पॉन्टेनिटी उन लोगों में होती है, लोगों के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट करना उसका मतलब है आपको अच्छी तरह से स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करना पड़ेगा। बाहर जब मार्केट में जाते हैं तो लोग किसी भी तरीके से हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमने जैसा सोचा था उस तरह से नहीं होता है ना। अब जब हम काउंसलिंग करते हैं, कोई किसी के साथ बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें सोच कर हम जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब मार्केट में जाते हैं तो हमने जो प्लान किया है उससे बिल्कुल ऑपोजिट वहां पे रिएक्शन मिलता है, वहां पे हमें स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा। और L1 हाई है तो वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, वो सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से थोड़ा चेंज करके वहां पे सिचुएशन को हैंडल करके जो आउटकम तक उनको लेके जाना है वहां तक लेके जा सकता है। तो स्पॉन्टेनिटी राइट ब्रेन से आती है, जहां पे स्पॉन्टेनियसली हम जो प्लान नहीं किया है और जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको हम हैंडल करते हैं। सोशियलाइजेशन अच्छा कर सकते हैं, मेमोरी रिकॉल प्रीफ्रंटल लोब का फंक्शन है पूरी तरह से, तो राइट ब्रेन का फंक्शन भी बोल सकते हैं और इसी वजह से L1 के साथ कनेक्टेड है मेमोरी रिकॉल। कुछ लोग होते हैं जो रिकॉल अच्छी तरह से कर सकते हैं या उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अच्छी होती है, एक दो दिन एग्जाम से पहले एक दो दिन ही उन्होंने पढ़ाई की, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, पूरा साल उन्होंने पढ़ाई नहीं की, एक दो दिन ही पढ़ाई की और फिर वो 90-95% लेकर आ गए। तो यहाँ पे प्रीफ्रंटल लोब का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका प्रीफ्रंटल लोब बहुत स्ट्रांग है, तो एक दो दिन में पढ़ाई करके उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी में सब कुछ जबरदस्ती वहां पे डाल दिया, जो भी डालना उनको जरूरत थी और उसको यूज कर दिया एग्जाम में, और एक हफ्ते बाद पूछेंगे तो एक्चुअल में उनको कुछ याद नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से प्रीफ्रंटल लोब का यूज किया है, शॉर्ट टर्म के लिए उनको जो जरूरत थी शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल दिया, उसका यूज कर दिया, और बाद में शॉर्ट टर्म मेमोरी का फंक्शन ही यही है कि वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं रहेगा, और बाद में उनको जरूरत भी नहीं थी, उनका सिर्फ टारगेट था कि परसेंटेज लाना, रैंक लाना, और वो उन्होंने ला दिया, और एक्चुअल में उससे उनकी लाइफ में क्या बेटर हुआ है या आगे उसको क्या यूज करेंगे उससे उनको ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पूरे साल पढ़ाई करते रहते हैं फिर भी जो 2 दिन पढ़ता है वो उससे आगे निकल जाता है और वो पूरा साल पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट उससे पीछे रह जाता है, क्योंकि प्रीफ्रंटल लोब शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम के वक्त भी, तो प्रीफ्रंटल लोब वाले लोग ज्यादातर रैंक ले जाते हैं और इस वजह से हमें बुरा लग, जो पूरा साल पढ़ाई करते हैं उनको बहुत बुरा फील होता है कि इन लोगों ने पूरा साल एंजॉय किया और फिर भी इन लोगों के इतने परसेंटेज आए और उन लोगों ने पूरा साल पढ़ा फिर भी परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। और L1 किसी का लो है तो वो लोग लोगों के साथ कनेक्ट करना इतना प्रीफर नहीं करते या तुरंत ही वो ओपन नहीं होते हैं किसी अननोन पर्सन के सामने, जो बच्चों में भी दिखता है और बड़ों में भी दिखता है कि वो डीपर लेवल के कनेक्शंस नहीं बना पाते हैं या डीपर लेवल के कनेक्शंस उनके लिमिटेड लोगों के साथ होते हैं, ज्यादा लोगों के साथ नहीं होते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होता है उन लोगों का। यहाँ पे एज वाला फैक्टर है, एज के हिसाब से भी
यहाँ पे जितने भी जोन डिस्कस कर रहे हैं, एज के हिसाब से उनका बिहेवियर उस जोन में अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो इनपुट जोन्स पूरी तरह से हमें डोमिनेट करते हैं, और धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगते हैं कॉग्निटिव जोन्स ओवरटेक कर लेते हैं और वो लीड करने लगते हैं सारी चीजों को। और L1 जिनका काम है उनको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने में भी इश्यू हो सकता है, या दूसरे लोगों का नजरिया वो अच्छी तरह से ना समझ पाए, या स्पॉन्टेनियसली वो अच्छी तरह से हैंडल ना कर पाए। टीम वर्क में भी इश्यू हो सकता है उन लोगों को जिनका L1 कम है। और एज अ काउंसिलर, चाहे आप कोई भी टूल प्रैक्टिस कर रहे हो, DMIT साइकोमेट्रिक या कुछ भी टूल आप यूज कर रहे हो, तो कोई भी स्ट्रेंथ है वो आपकी वीकनेस बन सकती है और कोई भी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। ये अंडरस्टैंडिंग जब तक हम हमारे अंदर क्लियर नहीं होगा, हम खुद इसके ऊपर क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम ऐसा हो सकता है कि हम अनकॉन्शियसली शायद गलत जगह पे फोकस करें, या लोगों को जो नहीं करना चाहिए वो हम इंसिस्ट करें या वो हम प्रमोट करें। तो कोई भी स्किल स्ट्रेंथ है वो वीकनेस बन सकती है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, थोड़ा डिस्कशन करते हैं तो और इंटरेस्टिंग बनेगा और मजा आएगा इसमें, और लर्निंग और फास्ट होगा सबका। मैंने यहाँ पे बताया कि कोई भी स्ट्रेंथ वीकनेस बन सकती है, तो कोई बताएगा? यहाँ पे बहुत सारे काउंसिलर्स है, टीचर्स है, और ज्यादातर लोग स्टूडेंट के साथ ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही लोग है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे बन सकती है, कोई बताएगा? स्ट्रेंथ यस वीकनेस, सर, मैं बता सकती हूँ हाँ बताइए सानवी। सर। जैसे मान लीजिए कि किसी का म्यूजिकल बहुत हाई है और ग्रॉस मोटर्स वीक हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो हम उसको कानों में म्यूजिक लगा के उसको बोल सकते हैं कि वॉक कर ले, थोड़ा एक्टिव हो जाए, या म्यूजिक सुन के वो कोई भी वर्कआउट कर सकता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये अच्छा एग्जाम्पल दिया सानवी जी, कि अगर कोई जोन वीक है और दूसरा जोन स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग जोन की हेल्प से हम वीक जोन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ना। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है उसका, कि म्यूजिक मेरा बहुत अच्छा है और म्यूजिक से मुझे एक्सरसाइज में हेल्प चाहिए, तो म्यूजिक लगा के मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो म्यूजिक सुनते सुनते मुझे पता नहीं चलेगा और मैं एक्सरसाइज का रूटीन फिनिश कर लूंगा, और विदाउट म्यूजिक म्यूजिक में करूंगा तो शायद वो ज्यादा पेनफुल हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है वो वीकनेस कब बन जाएगी? कोई मान लीजिए कोई भी स्ट्रेंथ है हमारी, तो वो स्ट्रेंथ ना होकर हमारे लिए वीकनेस बन जाए, ऐसा ऐसा कहाँ पे होगा? जब हम उसको उसके ऊपर काम करना बंद कर देंगे। यस, उसके ऊपर काम करना बंद कर देंगे। उसके अलावा आप आई बहुत थिंक इट्स अच्छा अबाउट द बहुत अच्छा प्रोफाइल फिटमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट द जॉब प्रोफाइल फिटमेंट। थोड़ा एलाबोरेट करेंगे तनुज। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली जो लोग बात करते हैं, मैं हिंदी में भी स्विच कर रही हूँ सब सबकी कन्वीनियंस के लिए। यस फॉर एग्जाम्पल, जॉब के लिए इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड मेनली देखा जाता है, बट पर्सनैलिटी फिटमेंट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ अभी, जो आपने चीज़ें बताई हैं कि समबडी हु इज एन एक्सट्रोवर्ट और सोशल पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, बट इफ ओके समबडी हैव टू वर्क इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे आपको सोशलाइज होने का मौका ही नहीं मिलता है, यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ डमी सिस्टम ऑल थ्रू 12 आवर्स फॉर एग्जाम्पल, तो ओके उसमें प्रोफेशनल बर्नआउट के चांसेस बढ़ जाएंगे। द पर्सन विल नॉट बी एबल टू एंजॉय देयर सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो एक ओके तरफ जो सोशल हो जाना या फिर किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना एक पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ हो सकता है, वही ओके करियर प्रोफाइल फिटमेंट के अंदर इफ द एनवायरमेंट और द जॉब रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, तो इट कुड लीड टू लॉट ऑफ बर्नआउट्स। सिमिलरली इट गोज समबडी हु इज क्वाइट इंट्रोवर्ट और बहुत सोशल नहीं है, आप उसको अगर जर्नलिज्म में डालते हैं, माइक पकड़ा के बोलते हैं कि आप फील्ड में जाके रिकॉर्डिंग्स करो, इंटरव्यूज लो, पर्सन माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। व्हाइल राइटिंग फॉर एग्जाम्पल द जर्नल्स और न्यूज़पेपर के आर्टिकल, दैट पर्सन माइट बी वेरी गुड एज अ राइट जर्नलिस्ट। राइट 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 सर यस सर फॉर हाँ एग्जाम्पल हाँ कुशल जी बताइए। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्ट्रेंथ है डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, ठीक है,
थोड़ा माइक माइक नजदीक रख के बताइए, थोड़ी आवाज कम आ रही है। हेलो हाँ, अब बताइए, अब बताइए। सर, जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ है डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, और जहाँ पे मैं काम करता हूँ ऑफिस में, पर वहाँ पे ना डिसिप्लिन की जरूरत है ना पंक्चुअलिटी की जरूरत है। तो अगर मैं ऐसी जगह पे काम करता हूँ, तो जो ये जो मेरी स्ट्रेंथ थी 6 महीने 8 महीने के बाद ये मेरी वीकनेस ही बन जाएगी, क्योंकि मैं कभी डिसिप्लिन में रहूंगा ही नहीं। क्योंकि मुझे ऊपर से एक प्रेशराइज तो चाहिए ना, प्रेशर कि मुझे ऑफिस पहुंचना है टाइम से, या मुझे पंक्चुअल रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। तो ये यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया कुशाल जी कि स्ट्रेंथ है वो वीकनेस बन सकती है। कोई और बताएगा? सर पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट हो सकता है इसका। थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। लाइक अगर जैसे किसी का हाई इंट्रापर्सनल है, हाँ मतलब उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, और लेकिन उसका जो पार्टनर है वो उसका कॉन्फिडेंस कम है, तो यहाँ पे क्लैशेस होने, कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। तो इसका ये जो स्ट्रेंथ है, जो हाई इंट्रापर्सनल है, यहाँ पे उसका ये वीकनेस हो जाएगी, इसकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, और कुछ बताएंगे? सर मैं एक स्टूडेंट की बात बताना चाहूंगी, यस जो लीजिए। वीकनेस स्ट्रेंथ बन गया है उसका। वो बच्चा बहुत आर्ग्यूमेंट करता था, बहुत ज्यादा उसको बोलने का वो था, बोलते था हमेशा ही टीचर्स हो या स्टूडेंट्स या अपने पेरेंट्स के साथ में। तो उसे काउंसलिंग की सर्विस लगातार मिलती रही, और उसके बाद वो उसका जो आर्ग्यूमेंट करने का जो पैटर्न था, मतलब कि वो हमेशा अपने आप को ही लीडरशिप में रखता था कहना चाह रहा, लेकिन फिर उसका कन्वर्ट, काउंसलिंग करते करते उसका ये कन्वर्ट करने की कोशिश की कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हो अपने लीडरशिप में। तो इस तरह से उसका वीकनेस जो है स्ट्रेंथ में बदला। 10 12 तक उसका जो स्ट्रेंथ ऐसा बढ़ा कि मतलब और भी कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेंट होता था साथ में, और भी बच्चों को साथ में इनक्रेज करता था कि हाँ चलिए आप भी चलिए। तो उसका एक लीडरशिप में चेंज हो गया। ग्रेट 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 ग्रेट। सर तो एक सर मेरा क्वेश्चन इंद्रा है हाँ सर, है, तो एक बात मुझे ऐसी लगी कि बहुत बार ऐसे होता है, मैं ट्यूशन लेता हूँ तो कभी कभी गलती से कोई लॉ वगैरह मेरे मुंह से गलती से रॉन्ग आता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि ऐसे ऐसे नहीं सर हमने स्कूल में ऐसा पढ़ा है, उस वक्त मैं उसकी सुनता नहीं, मेरी ही बात सही है इस पर अड़ा रहता हूँ। अब ये थोड़ा कम हो गया, लेकिन शुरू में ऐसे था कि इंट्रा है मराठी म्हटलं तर माझं तेच खरं, मराठी मैं जो बोलूंगा वही सही है, ये एटीट्यूड मेरा बहुत रहता था, कभी किसी का सुन के नहीं लेता था। अभी बहुत चेंज हो गया मेरा, अभी इंटरवल बढ़ गया है, लेकिन बचपन में ट्यूशन के शुरू शुरू में भी ये बहुत बार होता था, मैं ही सही हूँ, बाद में पता चलता रे मैंने कल गलत बोल दिया, ये लॉ सेकंड है बुक में, वो सेकंड लॉ है, लेकिन मैं बोलता था ये सेकंड नहीं ये फर्स्ट होना चाहिए, इसको ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो मुझे अच्छा